योगी जी बाय बाय यहाँ से होने वाले हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। भाजपा आरएसएस हिंदुत्व का नाम लेकर के दंगे कराने का, वो मुस्लिमों को भड़काने का कार्य कर, तभी तो दंगा हो गए, तभी फायदा किसे होगा? भाजपा को होगा। राम राज्य का मतलब है कि आप 90% जनसंख्या को अनपढ़ रखो जी, तो स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटी इन्होंने कोई बनाया नहीं, स्कूल कोई उन्होंने बनाया नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है राहुल कुमार, आप देखना शुरू कर चुका है नेशनल न्यूज। यूपी की पथरीली जमीन पर सियासत अपने आप में उग्र होने का काम कर रही है। आज नया साल है, लेकिन हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए जो तमाम जो पार्टियां हैं वो किस प्रकार काम करेगी, किस प्रकार की शैली और राय रखेगी, उसमें चर्चा करने के लिए मेरे साथ यहाँ पे तमाम वक्तागण यहाँ पे मौजूद है। बारी बारी से मैं उनकी प्रतिक्रिया और राय जानने के प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे साथ सुनने के लिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हालात बना दिए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी पर लगातार कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं कि उन्होंने युवाओं को कुचला, कहीं ना कहीं किसानों को कुचला, और अब जाकर जो तमाम जो भाजपा विरोधी चीजें हैं कहीं ना कहीं उनके सामने सिरे से बात रखने का प्रयास नहीं हो रहा। देखिए, सत्तारूढ़ पार्टी है और उसके अंदर जो भी उनके अपनी भावनाएं हैं वो अपने अकॉर्डिंग काम कर रही है। पब्लिक तो हाहाकार कर ही रही है, पब्लिक की सुनने को ले, ना तो मोदी जी तैयार है ना योगी जी तैयार हैं। तो इसमें तो हम बात करने के लिए कि उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपना ध्रुवीकरण फैला करके चुनाव का रुख अपनी तरफ करना चाहते हैं कि ध्रुवीकरण होगा तो भाजपा को फायदा होता है। लेकिन सर, कुछ समय पहले की भी घटना थी कि इत्र कारोबारी के यहाँ रेड लगती है। पहले भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी का आरोप लगाती है, लेकिन जब बैकआउट होता है तो पता चलता है जांच से कि कहीं ना कहीं उसके हाथ बीजेपी के नेताओं से लिंक है। आप इसे किस प्रकार देखते हैं? देखो, सत्तारूढ़ पार्टी जो होती है वो हमेशा मजबूत विपक्ष को दबाने का कार्य करती है जी। इसमें कोई बड़ी राय नहीं है। जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो उन्होंने अपना समीक्षा करा ली है, उन्हें पता कि उत्तर प्रदेश उनके हाथ से गया और मात्र अब 2-3 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आने वाला है। योगी जी बाय बाय यहाँ से होने वाले हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। वो पहले उत्तराखंड से गोरखपुर में आए, गोरखपुर से वो लखनऊ में आ गए, अब उनका रिटर्न होने का वापस का शुरुआत होगी। वो पहले गोरखपुर आएंगे, गोरखपुर टू वापस उन्हें। लेकिन सर, रायबरेली के मंच पर कल जब रायबरेली में रैली थी भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ पे मंच पर वो कहते हुए दिखे कि राम राज्य आ चुका है, मंदिर का निर्माण हो चुका है, तमाम चीज़ें बड़ी सुदृढ़ है और अब उत्तर प्रदेश को नया विकास मिलने का। देखिए, राम राज्य की परिभाषा अगर की जाए तो राम राज्य उनके लिए सही कह रहे हो जी, पब्लिक के लिए राम राज्य नहीं। राम राज्य का मतलब क्या है? राम राज्य का मतलब है कि आप 90% जनसंख्या को अनपढ़ रखो जी, तो स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटी इन्होंने कोई बनाया नहीं, स्कूल कोई उन्होंने बनाया नहीं। जो गरीब तबके को एक फीस उन्हें मिलती थी उस प्राइवेट कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में भी, वो भी बंद कर दी है। तो सही तो कह रहे हैं, राम राज्य आ गया। अब तो पब्लिक ने समझना राम राज्य का मतलब क्या है जी। राम राज्य का मतलब क्या है ये बता दीजिए। राम राज्य का मतलब आपको मैं साफ साफ बता दूं, महिलाओं का कोई सुनवाई नहीं जी, कोई एजुकेशन नहीं, महिलाओं को कोई हक अधिकार नहीं। अगर आप ये राम राज्य सही तो बना रहे, तो सही तो कह रहे हैं, वो आपको बार बार चेतावनी दे रहे हैं। आपको चाहिए कि आपके बच्चों को क्या चाहिए? स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटियाँ चाहिए, बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार चाहिए, तो वो सब बंद कर तो दिया आप। उन्होंने कहा जो घंटा बजाने वालों को तो तुमने भेज दिया संसद में और विधानसभा में, और आप जो जो जिन्होंने जाना था पढ़े लिखे लोगों ने संसद विधानसभा में, वो घंटा बजा रहे हैं। अब घंटा बजाने का आज मैं खैर जम्मू कश्मीर में हुआ, धार्मिक स्थल पर हुआ है। अब आप ले गए जहाँ कोरोना बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, जहाँ बेरोजगारी चरम पर है, वहाँ पे धर्म इतना आदमी जा रहा है आज की डेट में जी, वहाँ भगदड़ क्यों मची? वहाँ पुलिस ने लाठियाँ चलाई, जहाँ से भगदड़ मरी, जिसमें 14-15 आदमियों की मौतें हुई हैं जी। और सुबह सुबह जब आप टीवी पे न्यूज़ देख रहे हो तो कितनी बुरी खबर है। मैं उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उसमें प्रकृति उन्हें अपनी उसमें जगह दे। लेकिन सब मुद्दा यह था कि कल हमने देखा कि असुद्दीन ओवैसी अपनी मंचों से बोल रहे हैं कि हर कौम को अपना अपना हुक्मरान चाहिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी, यादवों की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कहीं ना कहीं जाटवों और बहुजनों की पावजी। अब जब मुस्लिम वोटरों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो छिटकता हुआ दिखता है, आप इसे किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ओबीसी जो है वो आप मुस्लिमों के हितैषी तो है नहीं जी,
वो आप कितने ही बात कर लीजिए, अगर वो मुस्लिम कौम के हितैषी होते ना जी, उन्हें गारंटेड दबे कुचली कौम के जो लीडर जिस क्षेत्र जिस प्रदेशों में हैं उनके साथ समझौता करके और वहाँ पे वो सीट के अनुसार अपने प्रत्याशी की अपनी सीटें लेते और वहाँ से वो लड़ते ताकि वो मजबूती के साथ में भाजपा को हराने का कार्य करते जी। लेकिन जो पार्टियाँ मुस्लिम वोटर जिस पार्टियों को वोट करते हैं इनकी पार्टियाँ वहाँ खड़े ही होंगे जिनका वजूद नहीं, तो जाहिर सी बात है वोट किसको करी, तो फायदा किसको मिला। तो वो तो बी टीम का काम है बीजेपी की, वो लड़ाती रहती है, उनका काम है पॉलिटिक्स का। आरोप लगा रहे हैं आप, आरोप नहीं है ये, सत्य है। इसमें आरोप क्या है, तो खुले मंचों पर चल रहा है जी। इसमें आरोप नहीं है, सत्य है ये, तो बिहार के चुनाव में वो खुद अपने मंचों पर बोले हुए हैं। मैंने भी कई अभी देखिए न्यूज में देखा है, कई न्यूज चलाई, ये सीधा बात है, ऐसा कुछ नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। ओबीसी उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए आए हुए और उनका कोई अस्तित्व वजूद नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश, लेकिन वो तो अपने मंचों से बोल रहे हैं ना कि मैं किंग मेकर हूँ, 100 सीटों पर लड़ूंगा। उन्होंने राजनीति उसी के लिए पैसा मिलते हैं, उनको फंडिंग ही उनके लिए आई जी। बताइए भाजपा ने एक बार भी उनके ऊपर छापा डलवाया हो, उसने खुले पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है उनके भाई ने तो मंच पे जी बिल्कुल है, उन्होंने कहा कि एक घंटे के लिए हटा दो पुलिस को, तो ये भड़काऊ तो है जी। भाजपा आरएसएस हिंदुत्व का नाम लेकर के दंगे कराने का, वो मुस्लिमों को भड़काने का कार्य कर, तभी तो दंगा हो गए, तभी फायदा किसे होगा, भाजपा को होगा। आपसे अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।